अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक होंगे? अच्छे से होंगे? तो आज है अपना 12वां रोज़ा रमज़ान मुबारक का। तो हम हो रहे हैं रेडी जम्मू जाने के लिए। खैर, पहले तो श्रीनगर, वहाँ से हो सका तो मूड बना तो जम्मू भी चलेंगे। अपनी पहली राइड आज रमज़ान में ना जम्मू के लिए। श्रीनगर के लिए तो गए थे 2-3 बार, तो हो जाता हूँ मैं रेडी। तो दिखाता हूँ आपको आगे का सीन। डियर फ्रेंड्स, ये है कुछ सुबह सुबह का ना बाहर का व्यू। मौसम देख सकते हो आप, क्लाउड्स नहीं हैं पर धूप भी निकली है, निकलेगी इंशाल्लाह अच्छी धूप। ये देख सकते हैं, दिखाता हूँ ना मैं आपको अपना गेटअप भी। पहले आप मौसम देख लें किस तरह की वाइब है सुबह सुबह की। तो फाइनली हो चुके हैं हम रेडी निकलने के लिए। देख सकते हैं ना आप, ये आज का ना अपना गेटअप। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा किस तरह का गेटअप है, कैसा लग रहा हूँ मैं सुबह सुबह। तो गाड़ी हो चुकी है अपनी स्टार्ट, थोड़ी हो जाए ना कोल्ड, आजकल ठंड है, ठंड में कोल्ड स्टार्ट करना चाहिए। तो गाड़ी हो जाए थोड़ी गर्म, तो उसके बाद हम निकलते हैं। डियर व्यूअर्स, मेरे को एक दो फ्रेंड्स ने कहा था कि आप कभी तुमना की तरफ भी आओ, हमारे एरिया को भी कवर करो। खैर, आज मुझे आना ही पड़ गया, तो बाय चांस या बाय चॉइस तो आ चुका हूँ मैं तुमना। तो जिस भाई ने कहा था, खैर उसी के एरिया कवर हो ही जाएगा, बाकी पूरा तुमना अगर आज नहीं भी हो पाया तो ये ना अपने तुमना का ऊपर वाला इलाका है। खैर, तुमना के भी 3-4 पार्ट हैं, तो 2-3 पार्ट ही मुझे अच्छे से पता है। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। खैर, तुमना वालों को तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है ये बात। तो ये देख सकते हैं आप सामने, यहाँ पे शॉप्स भी हैं। तो ये यहाँ का लोकल छोटा मोटा मार्केट है। तो इनकी यहाँ पे एक सामने जामिया मस्जिद भी है, ये आप देख सकते हैं। खैर, जामिया है या मस्जिद है, बट मैंने कभी इसमें नमाज़ नहीं पढ़ी है, बट अब मैं कह रहा हूँ, क्या पता गलत भी हो सकता हूँ। तो ये तुमना का एक ना छोटा सा ओवरव्यू है। व्यूअर्स, तो मैंने सोचा यहाँ से रुक के अपने चौकी बल का ना थोड़ा सा जूम करके एक टेक ले लेते हैं, देखते हैं तुमना से अपना चौकी बल कैसा लगता है। भाई, मेरे को तो ना सिर्फ बुर्ज खलीफा नहीं दिखी, बाकी पूरा दुबई लग रहा है। बाकी आप चौकी बल वाले भी ना कमेंट करके बता दो कैसा लगता है तुमना से अपना चौकी बल। तो डियर फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम पांपर। ये देख सकते हैं आप, ये सारी दुकानें वगैरह है ना, ये पांपर ही की है। आपको मतलब ड्राई फ्रूट चाहिए होता है, केसर चाहिए होता है, कुछ भी तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चौकी बल से निकलते टाइम मैंने आपसे कहा था फिलहाल श्रीनगर तक तो जा रहे हैं, वहाँ से आगे कोई पता नहीं हम जम्मू के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अब हम जम्मू के लिए निकल पड़े हैं, पांपर पहुंच चुके हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अभी तो टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, 4 मिनट कम। तो रास्ते में मैंने चौकी बल से श्रीनगर तक कोई शॉट नहीं लिया, क्योंकि ना अपने साथ 2-3 बीमार थे, मतलब गेस्टस, तो उनके करके हमने शॉट नहीं लिया, क्योंकि उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना था। सो इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले उनको छोड़ दिया, उसके बाद हम यहाँ से निकले। तो मैंने कहा कोई नहीं, आगे शॉट ले लेंगे। वैसे भी आप ना बहुत देख चुके हो चौकी बल से श्रीनगर, श्रीनगर से चौकी बल। तो आज ये रमज़ान में अपनी पहली राइड है ना जम्मू की, दिखाता हूँ मैं आपको आगे भी। T5 के पास कुछ फ्लाईओवर्स छोड़े हैं, कुछ टनल्स छोड़े हैं, तो मैं आपको हर जगह से ना मतलब अपडेट करता रहूँगा कहाँ से हाईवे का क्या सीन है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। व्यूअर्स, पहुँच चुके हैं हम इमरजेंसी लैंडिंग पे। ये आपको दिख रहा होगा ना, ये जो अपना हाईवे जाता है जम्मू की तरफ ना, इसमें डिवाइडर नहीं लगा हुआ है इस जगह पे, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग है, कभी नीड पड़ेगी तो यहाँ पे लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे या सीधे विमान भी उतारे जाएंगे। तो ये जो ट्रैक है ये एकदम सही है। तो भाई, अगर ड्रैग करनी है यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एकदम ना फुल चेक होगा गाड़ियों का हाई एंड भी कितना है और ड्राइवरों का हाई एंड भी कितना है। खैर, ये मैंने ऐसे मजाक के लिए बोल दिया, सीरियस नहीं हो जाना तुम लोग। तो लेकिन जगह बड़ी सही है, यहाँ पहुंच चुके हैं हम। अभी यहाँ का टेम्परेचर है 15 डिग्री, टाइम हो रहा है 11:30। तो देखते हैं ना आगे भी क्या सीन रहता है। वैसे तो काजीगुंड तक, सॉरी बानिहाल तक कभी जाम मिला नहीं हमें इस रोड से, जब भी आएंगे आज देखते हैं क्या सीन रहता है, क्योंकि आज हम काफी टाइम के बाद जा रहे हैं जम्मू। आई थिंक 15 दिन तो हो ही गए, मे बी 15 दिन हो गए जम्मू जाने को। तो 15 दिन के बाद जा रहे हैं, 15 दिन पहले तो बहुत बुरा हाल था और डलवास वगैरह ये वो, आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसा सीन है क्या सीन है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हाँ, तो डियर व्यूअर्स, पहुंच चुके हैं हम काजीगुंड। तो काजीगुंड पहुंचने में तो अल्लाह मालिक के करम से कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक, दिक्कत मीन्स की ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं मिला। हाँ, ट्रक बट साइड में रोक के रखे हैं, मुझे लगता है कि आज हैवी मोटर व्हीकल्स को उधमपुर से आने की इजाजत होगी, इसलिए ये ट्रक्स यहाँ पे रुके हुए हैं। छोटी गाड़ियां पैसेंजर हो या प्राइवेट हो, वो तो दोनों साइड से चल सकती है। खैर, अभी हम पहुंच रहे हैं काजीगुंड। काजीगुंड के बाद मैं दिखाता हूं आपको टोल का सीन, टोल के बाद आगे अपना टनल। तो बट आज ना बड़ा सही लग रहा है। सही क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं बताया मैंने आपको पहले भी, 15 दिन के बाद जा रहा हूं जम्मू के लिए, तो वैसा ट्रैफिक नहीं है, वैसा कोई सीन नहीं है। पहले तो यहां से भी ना 2-2, 3-3 लाइन ट्रक वाले बना के रखते थे, तो ब्लॉक करके रखते थे हमारे वाला साइड भी, तो आज वैसा कुछ नहीं है। अभी आगे जाके देखते हैं बानिहाल मार्केट में क्या सीन मिलता है, रामसो वगैरह नाचलाना शेर बीबी वगैरह एरिया में क्या सीन रहते हैं। तो वहां का एरिया अगर सही हुआ, दैट मींस कि हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। टायर बनाली भाई ने तो बड़ा बोला है, ये किया है वो किया है। खैर, अब हम आज जाके ना वो कहते हैं ना ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स लेके आएंगे। तो अभी हम पहुंच रहे हैं काजीगुंड, दिखाता हूं मैं अभी आपको काजीगुंड टोल का सीन और उसके बाद टनल का सीन। तो मिलते हैं हम फिर डायरेक्ट बानिहाल में। डियर व्यूअर्स, पहुंच चुके हैं हम काजीगुंड टोल पे। ये देख सकते हैं आप, ये सीन जो है ना काजीगुंड टोल का ही है। तो मुझे लगा था ना आज शायद उधमपुर से बड़ी गाड़ियों को छोड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। जो फाइनल नाका था जहाँ पे ट्रक रोक के रखे हुए थे, वहां से छोड़ दिए ट्रक्स।
तो अब ट्रक भी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, हम भी इनके साथ साथ ही चलेंगे। तो लास्ट के व्लॉग्स में ना जब मैंने आपको ये जगह दिखाई थी, अगर आपको याद होगा ना, तब में और आज में कोई डिफरेंस लग रही है। खैर मैं ही बता देता हूँ, तब स्नो थी, आज स्नो नहीं है, आज बिल्कुल क्लियर है। तो खैर ये भी एक मैसेज है हमारे लिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। खैर हमें ही मूव करना चाहिए। तो ये आ गया अपना काजीगुंड का टोल, इसके बाद सीधा डायरेक्ट टनल स्टार्ट हो जाता है और ये टनल ही का टोल है। तो अभी हम हो जाते हैं टोल से इन, उसके बाद करते हैं टनल इन, तो डायरेक्ट जाके हम बानिहाल एग्जिट करेंगे। भाई लोग ये चेक करो, ये टोल पे पहुंच चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, ये रहा अपना काजीगुंड बानिहाल टनल, अप्रॉक्सीमेटली 9.25 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। तो ड्यूल ट्यूब है ये टनल, तो दो गाड़ियां एक साइड से जा सकती हैं, दो गाड़ियां एक साइड से आ सकती हैं। चिनानी नाशरी की तरह नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये हम हो चुके हैं टनल इंटर। तो पहले भी दिखा चुका हूँ मैं बहुत बार आपको, लेकिन जितनी बार मैं आता हूँ मेरा खुद का मन करता है कि मैं दिखाऊँ, देखूँ। सो आप लोग भी चेक करो। तो निकलते टाइम मैं आपको एग्जिट होने का सीन दिखाता हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। डियर व्यूअर्स, हो चुकी है टनल एग्जिट, ये देख सकते हैं आप मौसम किस तरह का है, एकदम प्यारा मौसम है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं बानिहाल रेलवे स्टेशन के पास में, तो वहाँ पर ये 4-लाइन रोड भी ख़त्म ही हो जाता है। तो वहाँ से आगे हमें फिर से सिंगल रोड पर चढ़ना है, जो पुराना बदबन रोड था जम्मू रोड। तो खैर क्या कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा जब तक 4-लाइन बन नहीं जाता, जब तक कि बानिहाल का बाईपास बन नहीं जाता। लेकिन बर्फ़ के टाइम पे भी अलग ही सीन था और आज भी अलग ही सीन है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। कश्मीर जन्नत है भाई लोग। फ्रेंड्स, तो पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन बानिहाल, ये मेन बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन बानिहाल की, ये देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ पूरा सीन बानिहाल का, क्या ही वाइब है यहाँ की, चेक करो, ये देख सकते हैं आप, ये देखें। तो यहाँ पे हम अपने भाई वेट कर रहे थे ना, आबिद भाई उर्फ मुंदरी, तो हमने कहा मिल के जाएंगे भाई को, वैसे भी हमें कौन सी जल्दी है, रमज़ान चल रहा है। तो ये रहे अपने भाई आबिद भाई, क्या हाल है? बढ़िया यार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नहीं भाई, भाई है तो अपना खुशी तो होनी चाहिए मिलके। भाई नहीं यार, सरप्राइज देते ना हर बार, फोन भी ना फोन ना कुछ। आज तो भाई आज वाला तो बिल्कुल ही सरप्राइज था तेरी तरफ से, है ना? और बता कैसी कट रही है, क्या मजे है बानिहाल में? और बता कोई सेवा भाई के लायक? हाँ दुआ तो है भाई, दुआ हमें भी चाहिए भाई। लेकिन एक बात है, बानिहाल बड़ा ही मतलब मस्त मौसम हो गया आज, है ना, बर्फ बर्फ पूरी खत्म हो चुकी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अब दिखाते हैं आपको बानिहाल मेन मार्केट का सीन भी ना, क्या सीन है वहाँ पे। वैसे तो ट्रक्स छोड़ दिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, पूरा जाम हो रखा है, ये देख सकते हैं आप ना, ये पूरा यहाँ से पूरा जाम हो रखा है। चलो खैर हम भी निकल जाएंगे, हम लॉन्ग ही निकल जाएंगे, पर निकल जाएंगे। व्यूअर्स, ये बानिहाल रेलवे स्टेशन ना अंदर वाली साइड से कुछ ऐसा है, अभी जो दिखा रहा था मैं आपको वो बाहर वाली साइड से था, तो अंदर वाली साइड से कुछ इस तरह का है। मैंने भी सिर्फ 2 बार अभी तक ट्रैवल किया हुआ है इसमें ना, कश्मीर की ट्रेन में। खैर जब पूरी कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे इसमें अच्छे से, अभी तो फिलहाल यही मान लो आप जुगाड़ ही है, डूबते को तिनके का सहारा है हमारी ट्रेन। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एंट्री पॉइंट है, एग्जिट भी। अब हम करते हैं एग्जिट। डियर व्यूअर्स, ये रहा बानिहाल मार्केट का सीन। बानिहाल मार्केट में ना ट्रैफिक मूवमेंट एकदम स्लो है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था काजीगुंड वाली साइड से ट्रक छोड़ दिए, तो आगे आपको ट्रक दिख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। तो अभी चलते हैं हम भी आहिस्ता आहिस्ता, देखते हैं कहाँ तक हमें लड़ना है, जहाँ तक लड़ना है लड़ेंगे, क्या कर सकते हैं, ट्रक ना ही छोड़े होते तो ज़्यादा बेहतर था। खैर छोड़ दिए, क्या कर सकते हैं, तो चलेंगे हम भी इनके बीच बीच में, बने रहिएगा हमारे साथ। डियर फ्रेंड्स, ये हैं हम, और ये है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, और ये हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, जम्मू एंड कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के लिए अफसोस की बात है कि एक रोड को आप फ्री नहीं रख सकते हो, क्या बता सकते हैं हम आप लोग। खैर अवार्ड मिलना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के काम पे 4-लाइन रोड होके भी। आज मुझे अभी क्लियर पता तो नहीं है, हैवी मोटर व्हीकल्स की ये जो एडवाइजरी थी ये जम्मू से श्रीनगर थी या श्रीनगर से जम्मू थी, बट ये ट्रैफिक पुलिस भी ना 50-50 रुपए पकड़ के एक ट्रक को छोड़ देती है, और उसके बाद देखो रास्ते पे लोगों को कितना सफर करना पड़ता है। पहली बार जाऊंगा इस फ्लाईओवर से, अभी तक गया नहीं था मैं, देख सकते हैं आप। आज तो उस साइड वाली टनल से एंट्री होती है। खैर ये क्या सीन किया हुआ है इन्होंने, मुझे खुद नहीं पता अभी तक, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपसे मैं 15 दिन के बाद आया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, गाड़ियां वहां से आ रही हैं फ्लाईओवर से। हमारे वाला फ्लाईओवर तो अभी बंद ही है, हमारे वाला ये इस साइड वाला आप देख सकते हैं, ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये लेफ्ट साइड में जो है ये हमारे वाला फ्लाईओवर है जिससे गाड़ियां जाएंगी, और वहां से जो गाड़ियां आ रही हैं वो देख सकते हैं आप, वो राइट साइड से आ रही हैं। तो
तो हमारे वाला फ्लाईओवर अभी छोड़ा नहीं है, तो हमें T5 से पुराने वाले रोड से जाना है। दैट मींस वहां से आते टाइम भाई फ्लाईओवर छोड़ा हुआ है, यहां से जाते टाइम आपको वही सेम पुराने रोड से जाना पड़ता है, जो ये साइड में मस्जिद दो आ जाती है प्यारी प्यारी, आस पास में दोनों मस्जिदें देख सकते हैं आप, पता ही आप लोगों को। खैर मुझे लगा था ये वाला फ्लाईओवर छोड़ा है बट अभी नहीं छोड़ा है, तो देखते हैं आगे ना और भी क्या नई अपडेट है रोड में, बाकी तो सब सेम है। डियर फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम डलवास। तो अभी तक घर से लेके यहाँ तक अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क मुझे लगा तो यही लगा कि ये डलवास जो है, डलवास में मतलब जाम नहीं मिला आज, नहीं तो लास्ट जितने भी मतलब जितने भी बार में आया था तो डलवास में चार चार पांच पांच घंटे तो टूटे ही थे, चाहे मैं जम्मू से आ रहा होता चाहे मैं कश्मीर से आ रहा होता। ये एक चीज थोड़ी बहुत इन्होंने कवर की है। डियर व्यूअर्स चेक करो आप ना, ये डलवास तलवास का एरिया है, मामूली सी बारिश पड़ती है ना अगर कोई थूक भी डाल दे तो स्लाइड आ जाता है यहाँ पे, इस जगह की ये खासियत है। तो खैर अभी तक मेरे को यहाँ पे कहीं गाड़ी रुकी नहीं, बिल्कुल जा ही रही है, वन वे ही सही, 10 की स्पीड से सही, पर गाड़ी चल रही है जो हमें चाहिए होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया है ये 600-700 मीटर का टोटल एरिया है और ये 600-700 मीटर बंदे के 6-7 घंटे आराम से खराब कर देता है। खैर मशीन्स भी लगी हुई हैं तो अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कहीं पर कुछ होगा, बाकी तो सारा मतलब कहीं आधे से ज़्यादा 60-70% तो 4-लाइन रोड ही है। ये अभी भी आप देख सकते हैं हल्का ही हल्का सही, पर ट्रैफिक चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, मूवमेंट हो रही है। तो अभी हम पहुंच जाएंगे नासी टनल पे, नासी टनल क्रॉस करते ही इसे क्या कहते हैं अपना चिनानी, तो वहां से फिर अपना सरमूली, सरमूली से उधमपुर, उधमपुर से जम्मू। पहुंच चुके हैं हम सरमूली शेरे कश्मीर पे। जब रमज़ान नहीं होता था तब तो हम यहाँ पे खाना वाना खाते थे, चाय वाय पी लेते थे, आज खैर रमज़ान है, हमारा रोज़ा है, हम कुछ खा नहीं सकते पी नहीं सकते। ये खड़ी रही अपनी पिकअप के ना, पिकअप की उस तरफ अपनी डिग्रो खड़ी है। तो अभी हम वज़ू कर लेते हैं, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज़ हमने पढ़ी नहीं, तब हम बाने हाल में थे, तो बाने हाल में फंसने पे आपको पता ही है जो बुरा हाल हो जाता है। तो खैर अब हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं जोहर की, तो असर तक तो हम इंशाल्लाह जम्मू पहुँच चुके होंगे, उसके बाद देखते हैं इफ्तार कहाँ पे होता है कैसे होता है, जो अल्लाह मालिक ने किस्मत में लिखा होगा दिखाएंगे आपको पूरा सीन। बाकी आप देख सकते हैं ना यहाँ से क्या ही चढ़ाई है, गाड़ी में क्या ही बुरा हाल होता है। और यह तुम्हारा भाई, और पहले वज़ू बना लेते हैं, वज़ू बना के नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ के बाद आपको फिर से अपडेट करेंगे भाई। डियर फ्रेंड्स, नमाज होगी हमारी कंप्लीट, तो अब हम चलते हैं जम्मू के लिए, असर पढ़ेंगे हम जम्मू ही में, इफ्तार भी करेंगे हम जम्मू ही में, तो दिखाते हैं आपको आगे का सीन कब तक पहुंचते हैं जम्मू। तो टेम्परेचर भाई यहाँ पे ठीक ठाक है, 28-29 डिग्री टेम्परेचर अभी है यहाँ पे। खैर जम्मू में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फाइनली डियर फ्रेंड्स, पहुँच चुके हैं हम जम्मू, 6 बजे पहुँच चुके थे हम जम्मू, घर से चले थे हम 8 बजे। तो जम्मू का मौसम एकदम बढ़िया है, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो अपने भाइयों को हमने ड्रॉप कर दिया है, तो अब चलते हैं हम इफ्तार की तैयारी करने के लिए, नमाज भी पढ़नी है, इफ्तार भी करना है और फिर से सहरी की तैयारी भी करनी है। तो कल निकलेंगे हम वापस, हो सकता है या तो वापस निकलेंगे या तो आगे जाएंगे दिल्ली की चंडीगढ़ की तरफ, तो बताएंगे आपको, अपडेट करेंगे क्या कुछ करते हैं हम, तो बने रहिएगा हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं ना आपके साथ किसी नेक्स्ट तगड़ी सी जगह पे, तगड़े से ब्लॉग में भाई।